लाइव अभी तक में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं जिला बिजनौर की। तो बिजनौर लेडी सिंगम खनन अधिकारी के आते ही बिजनौर के खनन माफियों में हड़कंप मच गया है। घबराए खनन माफिया छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जांच कर सभी पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। आपको बताते चलें कि लेडी सिंगम कोई और नहीं बल्कि जनपद बिजनौर की खनन अधिकारी रंजना शर्मा हैं, जिनके बिजनौर में आते ही खनन माफियों में हड़कंप मच गया है और वो अवैध खनन करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये दबंग खनन माफिया उनका नाम सुनते ही छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। रंजना शर्मा ने कहा, मैं जब तक बिजनौर में हूँ खनन माफियों को पैर फैलाने नहीं दूंगी। उन्होंने कुछ लोगों पर कार्रवाई कर जेल भी भेज दिया है। बिजनौर से फैसल खान की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। जी नहीं ना, क्षेत्र में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य करते हुए हमें 2 जेसीबी अवैध खनन करते हुए मिली, जिनको हमने पकड़ के नगीना कोतवाली देहात में सपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी हमारे विरुद्ध अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। इससे पहले भी 2 जेसीबी हमने सीज की है और अलग अलग क्षेत्रों में वो जो है सपोर्ट कर दिया, उन पर कार्रवाई भी पेनल्टी भी लगी। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि अगर वो खनन करते हैं तो सिर्फ व्हीकल पे ही हम लोग पेनल्टी या कंपाउंड नहीं कराएंगे, हम उनके लिए सजा या जेल का प्रावधान भी रखने के लिए आगे प्रपोज।